हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग, हम आज के नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि काइन मास्टर कौन सा यूज़ करें जिससे आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अभी सभी के में एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, काइन मास्टर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। या तो पेड करना पड़ रहा है, या तो अपडेट बार बार लिख कर आया है, या तो आप उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो न्यू अपडेट काइन मास्टर आए हैं वो सारे वर्जन, या आप यदि आपका मोबाइल 1.2 जो समथिंग दिया गया है उनमें वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कौन सा काइन मास्टर यूज़ करें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और काइन मास्टर यूज़ करने का जो तरीका है मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे काइन मास्टर, देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है डायमंड काइन मास्टर, ये है आपका प्रो काइन मास्टर ओल्ड वर्जन, ये न्यू वर्जन प्रो वर्जन आया है, ठीक है। ये काइन मास्टर 111 MB का, ये सेम है कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 काइन मास्टर प्रकार के यहाँ पे दिए गए हैं, 4 हैं, 1, 2, 3, 4 दिए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे कि आपको अच्छा यूज़ करे और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी पेड ना हो, फ्री एकदम हो और विदाउट वाटर मार्क हो, तो उन सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा काइन मास्टर आपके में चल सकता है, कौन सा वर्क नहीं कर रहा है, कौन सा वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे और हर एक चीज़ के बताएंगे किस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वापस जाता हूँ, यह है कि ये काइन मास्टर है। इसके बाद जैसे कि कोई काइन मास्टर आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्राम प्रोजेक्ट से हर कोई इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। डाउनलोड पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखूंगा बहुत सारे काइन मास्टर मैंने डाउनलोड किए थे। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ये वाला काइन मास्टर, लेकिन यहाँ पे अपडेट लिख कर है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने आपके मोबाइल में जो भी काइन मास्टर है उसको पहले आपको क्या करना होगा, अनइंस्टॉल करना होगा। यहाँ पे देखो यही आ जाएगा, फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको जो मोबाइल में काइन मास्टर है उसको अनइंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ से मैं इसे अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ क्राम ब्राउज़र पर, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करा और मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे अब इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब पहले आपके मोबाइल में डिलीट हो अनइंस्टॉल कर देंगे काइन मास्टर, तभी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब मैंने इसे इंस्टॉल करना शुरू हो गया है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ओपन में यहाँ से करता हूँ, लेकिन ये देखेंगे तो ये काइन मास्टर 94 MB का है और ये प्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यू वर्जन है और न्यू वर्जन आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। या तो ये पेड वैसे देखो न्यू वर्जन है, इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पर, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यू क्रिएट पर न्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यानी कुछ भी आप यहाँ पे चलाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से प्ले करेंगे, इसे ओपन करेंगे और देखेंगे कि कुछ भी हम यहाँ पे बनाने का वीडियो एडिट करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है और आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये इसमें ये सभी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पेड करना पड़ेगा, पेड करने के लिए आपको पर मंथली रुपए देने पड़ेंगे, पर मंथली लगभग 1150 रुपये लग रहे हैं। अगर आप ईयरली इसे परचेज करते हैं तो 947 रुपये पर मंथली लगने वाले हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आ गई, या तो और ये न्यू वर्जन है, आपके में यही प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। और आप इसे वर्क और किसी के में ये वर्क ही नहीं कर रहा है क्योंकि बार बार अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है पहले ही, ठीक है। मेरे में तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन अब मैं बताऊँ कौन सा आप काइन मास्टर यूज़ करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको जो मैंने इंस्टॉल किया है इसको मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और वापस से मैं जाता हूँ क्राम ब्राउज़र पे। अब मैं बता रहा हूँ कौन सा, जैसे कि मैंने अभी APK डाउनलोड कर रखी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरी APK दिखा रही है आपको, काइन मास्टर डायमंड वाली, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ से इंस्टॉल करते ही यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे, अभी इस प्रकार से पेज ओपन होगा यहाँ पे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला यूज़ करेंगे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्लस पर और यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से कोई वीडियो एडिट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका एनिमेशन डाउनलोड करेंगे तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें वाटरमार्क आ रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं आ रहा है, ये एकदम फ्री है। और इसमें जो भी एनिमेशन डाउनलोड आप करेंगे तो वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बट यहाँ पर जो एनिमेशन है वो बहुत कम दिखाई देंगे न्यू वर्जन की अपेक्षा। बट यहाँ पे जो भी एनिमेशन आपको देखने मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो एकदम सब कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोई भी एक एनिमेशन डाउनलोड करके,
ये चीज़ें एकदम इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी, यानी जैसे कि प्रीमियम वाले कोई भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बात करता हूँ एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप फुल HD में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो सिलेक्ट करते हैं, फोटो सिलेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं जो भी न्यू वर्ज़न में है, बट थोड़ा सा कम है इसमें क्योंकि ये ओल्ड वर्ज़न है और ओल्डली वर्ज़न आपके में वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ, शेयर पर आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेयर का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे शेयर का, तो यहाँ पे देखेंगे फुल HD में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ क्या है, सेव टू गैलरी, सेव वीडियो टू गैलरी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको फुल HD भी दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे HD भी दिखेगा और मीडियम क्वालिटी भी दिखाई दे रहा है। तो आप फुल HD पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आसानी से इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका काइनमास्टर डायमंड वाला, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से कोई प्रॉब्लम भी होती है तो मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आप टेलीग्राम पर लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कई बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये वाला काइनमास्टर आपके में वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आप इसमें कितने भी लेयर ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है कि 2-3 से लेयर ज़्यादा नहीं ले सकते, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ इसमें, ठीक है, एक और लेयर लिया मैंने, देखो दो लेयर हैं यहाँ पे, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और लेयर लेके दिखाते हैं। ठीक है, और अभी भी देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसमें 3 लेयर मैंने ले लिए, इसमें आप इन्फिनिटी लेयर ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें, और अच्छे से इसमें एडिटिंग वीडियो की कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ये भी एकदम अच्छा है। ठीक है, और इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, और ये भी बताएंगे आप कैसे डाउनलोड करेंगे ग्राम ब्राउजर से, आप जहाँ से भी कर सकते हैं इंस्टॉल तो वहाँ से कर लीजिए, लिंक देंगे वहाँ से कर सकते हैं आप, और मैं ये भी बताऊँगा ग्राम ब्राउजर से आप कैसे करेंगे। और थर्ड नंबर का मैं एक और काइनमास्टर बताने वाला हूँ, ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो अप्लाई होगा। ये वाला मैं अनइंस्टॉल करता हूँ, अब देखते हैं, एक मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है, जैसे कि मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे नॉट इंस्टॉल्ड, ये वाला जो अभी मैंने आपको नहीं बताया है, इसको भी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये भी वर्क अच्छे से कर रहा है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। देखो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया ओपन का, ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है, और देखते रहिए इसमें क्या, अलाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ परमिशन देनी है, और यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आप रन एनालिसिस नाउ पर भी क्लिक कर देंगे तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, डाटा को ऑफ कर देंगे तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसे बैक भी कर सकते हैं, रिमाइंड मी लेटर कैंसिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन देखेंगे विदाउट वाटर मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल वीडियो एडिट करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे कोई वाटर मार्क देख रहे हैं, कोई वाटर मार्क नहीं है, और लेयर भी मैं दिखा देता हूँ, लेयर कितना इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट लेयर, ठीक है, कई बार प्रॉब्लम आती है 2 लेयर से तीसरी लेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वीडियो एडिट अच्छे से नहीं कर सकते हैं, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए इसमें 2 लेयर मैंने यूज़ की, एक और लेयर इसमें यूज़ करता हूँ मैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें, देखिए मैंने 3 लेयर इसमें यूज़ किए हैं, 1 2, अभी इसमें 2 ही दिख रहा है, एक और दिखा रहा हूँ अभी, वेट, ठीक है, इसमें 3 लेयर यूज़ का, और भी इन्फिनिटी तक इसमें लेयर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वीडियो कई यूज़ इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितनी यूज़ कर लिया, इन्फिनिटी तक इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें भी देखेंगे तो जो भी एनिमेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो ये भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और विदाउट वाटर मार्क है, जैसे कोई भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो सभी यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वापस से आता हूँ मैं अब, और यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप इनमें एनिमेशन भी सभी चीज़ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा फीचर इसमें दिए गए, पर ओल्ड वर्जन है ये भी। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी नहीं आएगी, यहाँ पर भी आप फुल HD में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ फुल HD आ रहा है, हाई डेफिनेशन यानी HD में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फुल HD में एक्सपोर्ट कर सकते हैं,
यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं। तो ये मैंने काइन मास्टर बताया आपको, तीन काइन मास्टर बताए जिसमें दो आपके काइन मास्टर आपके मोबाइल में वर्क करेंगे, जबकि जो आपके न्यू वर्जन आ चुके हैं वो वर्क नहीं करेंगे। अदरवाइज़ वर्क करेंगे, आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समस्या आ रही थी हर किसी के मोबाइल में, तो ये सभी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इनमें से कोई सा काइन मास्टर आपको पसंद आया होगा, तो जैसे कि आपको इन, अब मैं बता दूँ इनको डाउनलोड कैसे करना है। फर्स्ट चीज़ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था 77 MB का, शायद ये वाला वर्क नहीं करेगा आपके, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर ये आपके वर्क नहीं करता है तब वो डायमंड वाला करना, नहीं तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एक बार। यदि आपके मोबाइल में आपका जो एंड्रॉयड वर्ज़न है 1.2 और समथिंग जो भी आगे हो वो है, तो आपके में ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, न्यू प्रो वर्ज़न जो भी है। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी आप डाउनलोड करना, अगर ये वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसको अनइंस्टॉल करना। फिर से दोबारा मैं एक दूसरी लिंक दूँगा, ठीक है। अब दूसरी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए डायमंड वाला APK, तो ये इसको भी आप अच्छे से यूज़ करेंगे, लेकिन ये वाला आपके काइन मास्टर आपके मोबाइल में अच्छे से वर्क करेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी वाटर मार्क नहीं आएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाना है, यहाँ पर भी डाउनलोड काइन मास्टर डायमंड APK इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका समय चलेगा ये 15 सेकंड तक, और ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑप्शन आएगा डाउनलोड एनीवे, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। तो यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, इस पर डिटेल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। यही काइन मास्टर देखो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ इसको क्लियर करके किस प्रकार से डाउनलोड करना। और एक और मैंने काइन मास्टर बताया था वो 51 MB का था, उसको भी आप उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका काइन मास्टर अच्छे से वर्क करे उसको यूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपका अच्छे में वर्क करे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।